और ये जीत मेरे लिए बहुत मायने रखती थी बिकॉज ये ड्रीम मेरी मम्मा का था, मेरा नहीं था. मुझे बचपन से मॉडल बनना था और आज ये मेरा एक फर्स्ट स्टेप है. और यहाँ पे आने के बाद इनको कोई हाइट एज कुछ नहीं चाहिए, इनको बस ये चाहिए कि आपकी अंदर की सुंदरता बाहर आए. दैट्स इट. सीजन 3 में ज़रूर पार्टिसिपेट करिए. पूर्वी गढ़ा है और क्या फीलिंग्स बताऊँ, ये एक ऐसी फीलिंग है जिसका कोई एक्सप्रेशन नहीं है, कोई वर्ड में मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाती हूँ पा सकती हूँ. इट्स लाइक टॉप ऑफ द वर्ल्ड. आई एम फीलिंग ऑन द 9th क्लाउड राइट नाउ, होल्डिंग दिस क्राउन ऑन माई हेड एंड होल्डिंग दिस ट्रॉफी इन माई हैंड. इट्स लाइक एन इमेंस ऑनर दैट आई एम योर राइट. माई नेम इज़ रीना बिरजे एंड ये बहुत बहुत मायने रखता है क्योंकि this is a new transformation for me and I am right now feeling 10 feet taller. So I'm on cloud 9 right now and all thanks to it's only gratitude that I can express to God, my husband Joy, my parents and most importantly to Archana ma'am for giving this opportunity. Thank you. इस तरह के competition, इस तरह का जो pageant हुआ है जहाँ पे age, height, color कोई मायने नहीं रखता था, तो इस pageant के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी ये बहुत beautiful है. It is towards women empowerment and it's beautiful. I got to learn a lot. It benefited me so much and this is just the beginning. And I'm going to take this further. I have my institute, so I'm gonna utilize this where my future students, the future generation, they get the maximum out of it. Thank you. My name is Devangana Chauhan and I'm from Dehradun, Uttarakhand. I feel really great because for the first ever time मैंने ramp walk किया था अपनी life में. I'm a radio jockey by profession, तो मैंने कभी सोचा नहीं था that I'll ever be the face on the stage. I've always been into hosting, but ये मेरी life का पहला एक ऐसा competition था जिसमें मैंने participate किया. And especially India Brainy Beauty एक ऐसा platform है जहाँ पर कोई age, height, weight ये कुछ भी matter नहीं करता. So इसी चीज़ ने मुझे बहुत appeal किया था because कभी भी हमारे दिल में हमेशा एक इच्छा होती है कि to be on the ramp, to be the queen and the diva. And in training sessions ne bahut bahut help out kiya, so I'm really grateful and I should take this ahead. It's a start of a new journey. I really feel better. Ab aapne bola ki aap jockey hain radio pe, to apna introduction aap kaise denge? Ab aapka introduction aap as a jockey aap kaise bolenge wo hame bataiye. Kya aap sun rahe hain hame Dehradun se aur main I can use my brand name, that's okay. Yeah, that's okay. So this is how I start my show. Aur ab mere show ko start karne ka tarika kuch different hone wala hai. 93.5 Red FM ke मॉर्निंग नंबर 1 पर सुप्रभात, दिवांगना आपके साथ. एक्चुअली दिवांगना नहीं, इंडिया ब्रेनी ब्यूटी फर्स्ट रनर अप दिवांगना आपके साथ. मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है, ये बहुत ही एक शानदार जर्नी रहा है. मैं एक्चुअली ह्यूस्टन टेक्सास से हूँ, वहाँ से मैं ये पैजेंट में भाग लेने के लिए आई हूँ. और यहाँ पे इतनी सुंदर सुंदर लड़कियाँ से मेरी मुलाकात हुई, इतनी अच्छी ट्रेनिंग हुई, बहुत सीखने को मिला और बहुत ही अच्छा लग रहा है. और ये इससे और खुशी हो रही है कि ये क्राउन के साथ भी मैं वापस टेक्सास जाऊंगी और वहाँ पे फ्लॉन्च करूँगी. मैम आप इतनी अच्छी हिंदी बोल रही, कितने साल से आप वहाँ रह रही हैं? 30 साल से हूँ मैं टेक्सास में. आई एम अ टमिलियन बट बॉर्न एंड रेस्ड इन न्यू दिल्ली एंड आई एम एक्चुअली अ सिंगर. यू नो आई एम अ परफॉर्मर, वर्क विद शंकर जी, हरिहरन जी एंड I just love being on stage. Yeah, so this is what I do. Actually, I entertain a lot of people all the time. I'm a performer. So now your profile will be different. A single come runner up of yes, India Beauty. Yes, and it's very exciting. Yeah, it's very exciting. और मेरे को ये भी लगा जब मैंने भारत छोड़ा ना 30 साल के पहले, मेरे को लगा कि एक कोई तो मेरा सपना रहा जो अधूरा था, तो 30 साल आज वो पूरा हो गया राइट हियर राइट दिस मिनट. सो बहुत ही अच्छा लग रहा है. ऑफकोर्स बहुत रिलीफ लग रहा है एंड इट वॉज़ अ सुपर सुपर सक्सेसफुल इवेंट एंड थैंक्स टू ऑल माई मीडिया टीम, स्पेशली मानशु जी और मेरे सारे गेस्ट ऑफ ऑनर्स. ज्यूरी पैनल काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, मेरे फाइनलिस्ट भी बहुत स्ट्रॉन्ग थे एंड जैसे तैसे करके यू नो मैनेज कर लिया. अगर जहाँ हार्ड वर्क है इंसान कुछ भी कर सकता है, अगर उसके दिल में चाहत है ये अचीव करने का तो वो कर सकता है. और इंडिया ब्रेनी ब्यूटी वही प्लेटफॉर्म है जहाँ एज, वेट, हाइट कोई चीज़ का बैरियर नहीं है. हम सारे केज को तोड़कर बाहर निकलते हैं और सारी चीज़ों को पॉसिबल करते हैं. दैट इज़ व्हाट आई बिलीव इन.
लेकिन ये आइडिया कैसे आया? बिकॉज देखिए आज आपने जितने भी विनर्स हैं वो कोई इंडिया अब्रॉड से भी आई, टेक्सास से जो जीत के जा रही हैं, तो ये कॉन्सेप्ट कैसे आया आपके दिमाग में? सो वेल, मैं ऑलरेडी इतने एनजीओ से जुड़ी हूँ और मेरा खुद का भी एक एनजीओ है, फ्लोरियन फाउंडेशन। मैंने हमेशा, हम बात करते वुमेन एम्पावरमेंट की, वुमेन अपलिफ्टमेंट की, बट वो बातें करने से नहीं होता है। एंड एक रैम्प पे वाई डज अ प्लास्टिक मॉडल शुड वर्क लाइक 32, 34, 32 फिगर? वाई नॉट एनी वन कैन वॉक द रैम्प? लाइक जो एक घर पे खाना बनाते हो या ऑफिस में काम करते हो या वो स्टूडेंट, एनी वन कैन वॉक द रैम्प, क्योंकि उनके अंदर एक टैलेंट और हिडन पोटेंशियल होता है। उनके कलर पे या उनके बॉडी पे जज करके हम अगर कोई भी चीज़ का जजमेंट दे तो वो बहुत ही रॉन्ग है। तो अभी आज जो विनर्स हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? विनर्स के लिए इतना ही आई कहना चाहूँगी, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट माय विनर्स आर सुपर सुपर टैलेंटेड, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड दैट विद देम वी विल कम अप विद अ वेरी बिग प्रोजेक्ट वेरी सून। अभी जो जीत चुके हैं उनका अगला स्टेप इंटरनेशनल में आप लोग कम्पीट करने के लिए भेजने वाले? वाई नॉट, इफ दे आर, यू नो, दे डू वॉन्ट टू परस्यू दैट, एंड इफ दे वॉन्ट टू गो इंटरनेशनली वी वुड डेफिनेटली सपोर्ट देम टू डू। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। और सबसे पहले अर्चना जी को बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने अपना ये सेकेंड सीजन फिनिश किया, बहुत अच्छे से किया। और कोविड के टाइम पे थोड़ी बहुत खटपट होती रहती है चीज़ों के साथ, बट दैट्स ओके, दैट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। बट आई एम रियली हैप्पी कि आई गेट टू जज अमेजिंग पीपल, और काफ़ी अलग अलग फील्ड ऑफ लाइफ से आए थे लोग, और उनको जज करना बहुत अच्छा लगा। एंड आई एम रियली रियली हैप्पी दैट ओरिजिनल एंड ट्रू विनर्स वॉन दिस कॉम्पिटिशन। थैंक यू बहुत ही अच्छा था, इट वॉज वंडरफुल। द आफ्टरनून, द इवनिंग एंड द नाइट इज येट टू फ्लो एंड इट्स फ्लोइंग, एंड इंडिया ब्रेनी ब्यूटी, इट्स अ ग्रेट कॉन्सेप्ट, एंड अर्चना जैन द यंग एंटरप्रेन्योर हैज डन इट वेरी वेल, राबिया पटेल, Simran Ahuja, the anchor did very, very well. It was fun, entertaining, enlightening, and of course, beautiful. Thank you. पैंडेमिक में वैसे भी लोग बहुत टाइम से बोर हो गए थे, दे वॉन्टेड सम ऑफ कोर्स ब्रेक थ्रू, एंड सबका पैशन तो होता ही है, पर्पज़ होता है लाइफ में जीने का। तो पर्पज़ को अगर हम लोग अच्छे से यूज़ करो, और पर्पज़ का मतलब होता है ब्रेन्स को यूज़ करो। खुदा ने ब्यूटी सबको दी है, ब्यूटी इसलिए दी है कि उसका सही इस्तेमाल किया जाए, सही सेवा के लिए किया जाए, सही घर वालों की खिदमत के लिए किया जाए, समाज के लिए किया जाए। तो समाज में अगर हमारे एक ब्यूटी पैजेंट के थ्रू अगर ये देश में और अपने एरिया में, एरिया से लेके समाज से ग्लोबल लेके अगर कोई पर्पस को आगे बढ़ाता है और वो सेवा को बहुत बहुत दूर तक लेके जाता है, तो हमारा ये मकसद कामयाब हो जाता है। इंडिया ब्रेनी ब्यूटी सीजन 2 इसीलिए कामयाब हो गया है। Thank you. Experience really good. The contestants were a total surprise package. Yeah. Because we didn't realize that a person come flying down from UK, a mother of two also was there, a lady who was 50 plus was also there. So it was not a handicapped person was also there. So everybody was there, you know. It was more about the brain. It was more not with the face, not with the skin. It was all about the brain.